नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जीत जायसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के तहत कुछ बड़ी जानकारी यहां पे निकल के आ रही है। दोस्तों, यहां पे मैं ये जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं कि क्या आप भी आयुष्मान योजना के लिए पात्र हैं, जो कि मोदी सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया गया था, जिसमें आपको 5 लाख रुपये तक का बीमा होगा। क्या आप आयुष्मान योजना के लिए पात्र हैं? कौन कौन से व्यक्ति इसमें पात्र हैं? उनकी लिस्ट आप कैसे निकालेंगे, कैसे जांच करेंगे कि क्या आप पात्र हैं आयुष्मान योजना के लिए कि नहीं, इसी की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप भी बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप की मदद से बहुत ही आसानी से इसकी जाँच कर सकते हैं कि आपके परिवार का नाम वहाँ पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसकी पूरी डिटेल आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इच्छुक हैं इस जानकारी को लेना, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी नए यूजर से करूंगा गुजारिश, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर आप लोग आधार के संबंधित या फिर CSC के संबंधित यहाँ पर अनेकों वीडियो पड़े हुए हैं, जिसकी जानकारी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाइए, gadgetsupdatehindi.com। यहाँ पे आपको विस्तार से पूरी जानकारी दी गई है रजिस्ट्रेशन को लेकर, या फिर अन्य और भी अधिक जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी आयुष्मान भारत योजना के तहत। दोस्तों, आप लोगों को इस वेबसाइट पे आना है और नीचे स्क्रोल डाउन करके पूरी योजनाओं को आप लोग स्पष्ट रूप से पढ़ लीजिए। नीचे एक लिंक दिया गया है, आयुष्मान भारत एलिजिबल लिस्ट। आप लोग को यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। आपके सामने नया टैब खुल के आएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये NIC.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आप लोग चूज कर लीजिए। चलिए, हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं लोग, और यहाँ पर आप लोग कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। चलिए, मैं यहाँ पर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप लोगों को तहसील चूज करना है, जो भी आपका तहसील हो। यहाँ पे हम लोग तहसील को यहाँ पे चूज कर लेंगे। दोस्तों, ये आंकड़ा पुराने बेस पे है, अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका भी लिस्ट में नाम आ ही जाएगा। दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ग्राम पंचायत लेवल पर अपने ग्राम का नाम यहाँ पर चूज करना है, जो भी आपका ग्राम सभा हो। चलिए, हम लोग यहाँ पर ग्राम सभा चूज कर लेते हैं लोग, और आप लोगों को यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे विलेज का नाम और उस विलेज में रहने वाले अस्थाई परिवारों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपके गार्जियनशिप का नाम दिया गया होगा, और उनकी एज और उनका कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ उनके पिताजी का और माताजी का नाम यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर लास्ट में टोटल मेंबर दिया गया है कि आपके परिवार में कितने मेंबर हैं, और जिन मेंबर का नाम छूट गया हो उनका भी नाम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आने वाले समय में आप लोग भी डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। इस तरह से दोस्तों, आप लोग अपने ग्राम सभा का या फिर अपने गांव का या फिर अपने शहर का लिस्ट निकाल के आप लोग जाँच कर सकते हैं कि क्या वाकई में आप लोग जाँच कर सकते हैं कि क्या आपका नाम इसमें शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी यहाँ पे जांच कर सकते हैं, और इसकी प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों, आप भी बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल की मदद से या फिर लैपटॉप की मदद से इस डिटेल को निकाल के सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।